अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैम्प। आई एम योर होस्ट बीनेश आरज़ू, और आज हम एक और इंटरव्यू कर रहे हैं करियर पर, जो कि है बिजनेस ओनरशिप। तो आज हम बात कर रहे हैं शहबाज भाई से, जिनको हमने आज बुलाया है। ही इज़ द ओनर ऑफ हैदर स्टोर, जो कि ओपीएफ लाहौर में है। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था सिंस वो, क्योंकि जब वो सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, वो वहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं था। जब इन्होंने बनाया तो बड़ा ऑर्गेनाइज और अच्छा, और वो एकदम माशाल्लाह बड़ा हमें तो देखने में लग रहा था कि तरक्की की है इन्होंने माशाल्लाह बड़े थोड़े टाइम में। तो अब हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा शहबाज भाई, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जो है इसी फील्ड में शुरू से आना चाह रहे थे आप? नहीं, मैंने शुरू स्टार्ट जॉब से किया था, अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद। अच्छा अच्छा, डिफरेंट कंपनीज में काम करता है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी, इसके बाद एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसमें काम किया, इवन के मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की कुछ ऐसा, लेकिन अल्लाह तआला ने इस तरफ लिखा हुआ था तो बिजनेस की तरफ आना पड़ा मुझे। सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर जॉब से। हाँ जी, ये तो मतलब जॉब में तो आपको एक वो स्टक होना पड़ता है, उसमें ग्रोथ का मार्जिन होता है, बट आई थिंक इतना नहीं होता जितना आपके अपने बिजनेस में होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप यूसी जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप हमेशा ब्लेम करते हैं, मेहनत ज़्यादा करता हूँ रिवार्ड कम मिलता है। जी, बिजनेस ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना मेहनत करते हो उतना रिवार्ड मिलता है। ठीक है, आप किसी को ये नहीं कह सकते मैंने मेहनत की और रिवार्ड नहीं मिला। अल्लाह ताला रिवार्ड देता है इसका। आप जितनी मेहनत करते जाओगे उतना आप ग्रो करते जाओगे। अब नहीं मेहनत करोगे, जैसे जॉब पे बैठे तो जॉब पे बैठे रहोगे, उसी पोजीशन पे। तो आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये शुरू किया तो ये आइडिया आपका था या आपकी फैमिली ने आपको पुश किया, या फिर मिलजुल के सारे डिसीजंस हुए थे? ऐसा कि जब मैं जॉब कर रहा था, अल्लाह का शुक्र हैंडसम सैलरी थी उस वक्त भी, लेकिन एक्सपेंस मीट नहीं होते थे। ऐसे एक दिन वापस आ रहा था तो सोचा, ये घर से फ़ोन आया कि पैंपर ख़त्म हो गए, मेरा बेटा पैदा हुआ था, दूध ख़त्म हो गया। अब मंथ एंड पे आपको पता जॉब वाले बंदे की हालत क्या होती है। तो उस रास्ते में जाते सोच रहा हूँ क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जो मेरे एक्सपेंस ही मीट नहीं करते। तो सेम डे अगले दिन गया हूँ, सब रिज़ाइन किया, सैलरी भी छोड़ दी मैंने। अच्छा, डेयरिंग मैं फायदा ही नहीं है ना, जब आप बाद में पांच दिन सोचते रहो कि अब पैसे कहाँ से आने, और फिर जो स्पेशली आपके बच्चे हों, बच्चों को तो आप सफर नहीं कर सकते। तो फिर सोचा कि छोड़ दो ऐसे काम को। फिर नेक्स्ट डे मैं सर्च की शॉप की, शॉप और जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे मैंने सामान डाला और शुरू कर दिया। माशाल्लाह, ठीक है। तो आपका रेंट पे है जो सेटअप है? ठीक है। तो जब आपने शुरू किया तो आपकी फैमिली वालों ने नहीं कहा कि एकदम तू नौकरी छोड़ती है कि कितना नहीं? मेरे वाले साहब शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे मेरे साथ। वो अच्छा। एक पंजाबी हमारे कहते हैं कि मुल्ला सबक ना देगा तो वापस भी ना आ देगा। हाँ जी, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, कहते बेटा जो करना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। शुरू से हमारी फ्रेंडशिप थी, उन्होंने सपोर्ट किया, अल्लाह शुक्र वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, उसने बहुत एक क्रूशियल टाइम गुजारा है, क्योंकि जब अब छोड़ी फोरी अर्निंग तो स्टार्ट नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, काफी टाइम उसने सफर किया, लेकिन उसने साथ दिया, हौसला देते रहे, पेरेंट्स ने तो काफ़ी इंकरेज किया, तो अल्लाह का शुक्र आज वेल सेटल्ड है। हाँ माशाल्लाह। तो कितना फ़र्क है जॉब में और अब जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं? मैं परसेंटेज में अगर आप बताएं, परसेंटेज में अगर आप 10% सैलरी ले रहे हैं तो 100% आपके बिजनेस में इनकम है, मतलब काफ़ी फ़र्क, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये अच्छा, आपने अब जॉब भी की हुई है, आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में ज़्यादा है, मेहनत किस में ज़्यादा करनी पड़ती है? मेहनत मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप जॉब करते हैं तो कहते हो कि मैं जितना काम करता हूँ उतना रिवार्ड नहीं मिलता। जब आप बिजनेस करता हो पता था मैंने जितना इसमें मेहनत करूंगा उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो अब बिजनेस में बेशक मेहनत ज़्यादा है लेकिन उसका रिवार्ड भी ज़्यादा है। रिवार्ड भी है। तो मसला बस है कि आजकल के बच्चों में, जैसे हमने आजकल की जनरेशन में नोट किया है, उनका ये इशू बन गया हुआ है कि एक तो हमारा वर्चुअली दुनिया देख कर और ग्लैमर देख के हमें तो ये लगता है कि भाई हर कोई बस फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, हम वायरल हो जाएंगे, और पढ़ने जाना है तो वो भी इतने सीरियस नहीं होते हैं। तो आप अच्छे स्टूडेंट थे अपनी कॉलेज में? नहीं, अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, बहुत दफ़ा सप्ली फेल भी हुआ, काफ़ी दफ़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला माइंड इतना, मैंने हमेशा कभी पूरा साल नहीं पढ़ा, एंड पे आगे पढ़ा पास हो जाता है, ये कहते हैं फेल हो गए दोबारा अटेम्प्ट की पास हो गए। लेकिन अच्छा स्टूडेंट नहीं था लेकिन एहसास था जिम्मेदारी थी ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पता है क्या, अब हमारा ये मकसद यही है कि जो भी बच्चे काम करना चाहते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को फोर्स किया जाता है बहुत पेरेंट्स की तरफ से भी, और अक्सर इससे बिल्कुल अपोजिट होता है कि पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे होते हैं और बच्चे नहीं करते हैं। तो दोनों मतलब सिचुएशंस होती हैं। अब जैसे आपके बच्चे हैं
तो आपको क्या लगता है, जब आप मतलब खुद पेरेंट्स के शूज में आए हैं, तो ये मुश्किल है चीज़ उनको बताना, या टाइम के साथ ही समझ आती है, या उनको आप कुछ कह सकते हैं जिससे बच्चों को समझ आ जाए ये चीज़? सबसे पहली बात तो ये जो से फोर्स करना है ना कि एक तो हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बुरा है। वो हमेशा आपको जब भी आप पढ़ रहे होते हैं आपको टीचर्स बोलते हैं अच्छा पढ़ोगे तो आपको अच्छी सेटअप में जॉब मिलेगी, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा पढ़ो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही है। अब देखिए 99% लोगों की पेरेंट्स की मेंटेलिटी यही है कि अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई ये नहीं कहता अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छा बिजनेस मैन बन सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमारा स्टडी सिस्टम है वो हमें सिखाता ही जॉब करना है। वो आपको अब देखें हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें प्रैक्टिकली हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। नहीं केमिस्ट्री पढ़ लें फिजिक्स पढ़ लें हर बंदा साइंसदान से बनने से रहा, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है। इस तरह मैथमेटिक्स में इतनी सारी क्वेश्चंस हैं कि वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं आती नहीं आपकी, आती हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो काम आती। तो हमारे ये जो सर सेटअप है ना ये हमें सिखाता ही यही है। और फिर जब हम जॉब करने शुरू होते हैं तो हम इतने वो डर जाते हैं इसको छोड़ के पता नहीं बाद में क्या बनेगा। ऐसे ही है बिल्कुल। वो एक वही बात है, रिस्क लेने से डर लगता है, कि वो तो एक स्टेबिलिटी तो है, चाहे जितनी भी है, तो बिजनेस में वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। बिजनेस जब भी कह रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखने हैं। कभी कोई भी ऐसा काम नहीं है, इवन के जो आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं उनका भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होता है, चल ठीक रहा है। वो होता है आपको नहीं बिल्कुल, पता होता, आपको तो सैलरी से होता है कि भाई पहली तरीक को सैलरी मिल गई मिल रही क्रेडिट है, हो जाए नहीं अकाउंट में। बिल्कुल है। इसी तरह जैसे मैंने भी अब काम शुरू किया, अकेले शुरू किया, 3-4 लोग रखे मैंने, ठीक है, काम करने के लिए। अब उनको इससे गर्ज नहीं है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको तो है कि पहली तरीक को सैलरी बिल्कुल। मिलनी। अब ये प्रॉफिट हमेशा जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है। मैंने बहुत दफ़ा लॉस किया है, ठीक है, बहुत सी जगहों पे लॉस किया, लेकिन ये लॉस ही जो आपको सिखाता है, आपको मज़ीद बताता है यहाँ पे गलती नहीं करनी। तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया, उसमें एक ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें आपको लगा यार यहाँ मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही है, काश ये चीज़ मुझे किसी ने या तो बताई होती, या फिर ये सिस्टम इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट होता कि मुझे मसला ना होता? इसमें जो सबसे मुश्किल काम था वो टीम ना बनाना था। अकेले करता रहा 2-3 साल, अकेले करता रहा, सुबह आता था रात को लेट जाता था, फैमिली को टाइम नहीं देता था, बच्चों को टाइम नहीं देता, जब जाता बच्चे सो रहे होते थे, जब आता था तब भी बच्चे सो रहे होते थे। ये जो सबसे बड़ी गलती थी कि टीम शुरू से अगर मैं बनाता, पहले तो था कि चलो जितना भी है लालच होता है, रिसोर्सेज की रिसोर्सेज बिल्कुल। कम थे, तो जैसे जैसे टीम बनाती कि उस तरह ईज आउट होता गया। एक सबसे पहले मुझे टीम शुरू से ही बनाता, शायद आज मैं ग्रो करके डबल कर चुका होता, इसको एक की जगह 2 ब्रांचेस बनी होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें रिस्क फैक्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत सी जगह तंगी भी होती है शुरू में, लेकिन अगर आप कहें कि जहाँ हमेशा शुरू से आप प्रॉफिट कमाना शुरू करें तो ये तो बात ही गलत है। हर भी कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें आपको शुरू में लॉसेस भी होते हैं, टाइम भी काफ़ी किल करना ऐसे ही पड़ता है है। हर चीज़ के लिए। तो अगर शुरू में ही जेब में लॉस रख के चलेंगे आपको नुकसान होगा तो फिर तो आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो आपको लंबा एक हिम्मत बांधनी पड़ती है कि बिल्कुल भाई ऐसे नहीं, ही है, आपने कुछ अर्सा कोशिश करते रहना। कोशिश करते रहेंगे और जब हमारा रिवार्ड का टाइम आता है उस वक्त हम छोड़ देते हैं कि भाई तो मेरे बस की बात ही नहीं है, हाँ, ये हालांकि उससे आगे ही रिवार्ड बिल्कुल होता अक्सर है। वो मीम्स भी बनी होती है कि वो कान दो खोद रहे हैं गार, जी और एक फौरन जब छोड़ देता है तो वो पता चलता है कि वो दीवार इतनी सी रह गई थी और उसके ऐसे आगे ही, अब खजाना था, और वो जो दूसरा है वो बिल्कुल चलता ऐसे ही, रहता है। ऐसे ही। अच्छा, मतलब आपके कहने का तो मतलब है कि अगर हमारे स्टडी का जो सिस्टम है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, अगर टीम मैनेजमेंट सिखाई जाती और बिजनेस कुछ हवाले से सिखाया सिखाया जाता, जाता मतलब साइंसेस सिखाते हैं, इंजीनियरिंग सिखाते हैं, ठीक है, ड्राइंग के नाम पे आर्ट्स भी सिखा देते हैं, ऐसे ही, जबकि दैट इज़ नॉट हाउ यू सी दैट, आर्ट और डिज़ाइन भी बहुत लंबी फील्ड है, बड़ी फील्ड है। तो जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा बिजनेस भी बच्चों को सिखाना चाहिए, बिल्कुल है एग्जैक्टली ना, सिखाना चाहिए। थोड़ा सा नहीं चाहिए, एक प्रॉपर बेस सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक लिमिट, एक एज के बाद के स्कूल ने मैट्रिक के बाद कम से कम एक टॉपिक एक पूरी होनी होना चाहिए, चाहिए कि सब्जेक्ट होना आपके चाहिए बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में क्या बिल्कुल। कर। अब जो है बीकॉम पढ़े आईकॉम पढ़े मैंने पढ़ा हुआ उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं सिखाती। वो आपको एक बिल्कुल। टर्म्स कंडीशंस और टर्म्स बनाई हुई कि ये होना चाहिए ऐसे ऐसे होना चाहिए वो बता देती, लेटर राइटिंग कैसे करनी है ये कैसे करना है वो सब कुछ तो सिखाती है, लेकिन प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं कोई भी बिल्कुल। सिखाता आपको। मेरे ख्याल से जो बड़े कॉलेजेस और हैं यूनिवर्सिटीज़, उनमें ये प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स भी होती हैं, प्रैक्टिकल्स इस तरह के भी होते हैं दैट दे हैव टू प्रपोज एन आइडिया, मतलब वो बिज़नेस का आइडिया प्रपोज करते हैं, उस पे वो प्लान भी, बिज़नेस प्लान बनाते हैं पूरा, कि अगर हम ये बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ब्रेक इवन तक जाने में हमें इतना टाइम लगेगा, ये हमारी कॉस्टिंग है, इतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये चीज़ जो है बड़े स्कूल्स में तो ठीक है मिल रही है, लेकिन आई गेस ये हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें भी ये चीज़ होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी ताकि है,
क्योंकि देखिए अब जो भी हम सिखा भी रहे ना, हम उसको प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं भेजते, हम एक प्रपोजल बना रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ उधर जी, बैठ के एक कॉपी पे प्रपोजल बना लिया, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसे बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल, ठीक है। कुछ जगह पे आपको बहुत ज़्यादा नीचे डाउन होकर चलना पड़ता है, कुछ ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है, अर्निंग होती है। इस तरह अर्निंग ये होती, जो एक प्लानिंग है कागज़ पर बैठ के प्लानिंग करना और एक जगह प्रैक्टिकल लाइफ बैठ के प्लानिंग करना, वो बहुत डिफरेंट होती बिल्कुल। है। अच्छा, बाहर एक ट्रेंड है कि बच्चे जो हैं उनको प्रोफेशन डे मनाते हैं वो अपने अब्बा जी या अम्मा के साथ उनके ऑफिस जाके, और वो जाते हैं उनके साथ एक दिन गुजारते हैं, हर साल एक एक दिन होता है उनका, ऐसे ही और वो जाके उनके साथ पूरा दिन गुजारते हैं। वो देखते हैं कि जी ऑफिस में हमारा ये इस तरह से वो सेटअप है, अच्छा इनकी ड्यूटीज़ ये हैं वो हैं तो, और फिर उनके पास स्कूल्स में विज़िट भी करते हैं, डॉक्टर्स अलहदा विज़िट करेंगे, जो वही बच्चे उन्हीं के पेरेंट्स डिफरेंट ऑक्यूपेशन से मतलब होते हैं, वो आते हैं और वो डिफरेंट बच्चों को बताते हैं कि भाई दिस इज़ हाउ इट इज़। तो हमारा वैसे इस चैनल का मकसद भी यही है कि एक तो हम इंट्रोडक्शन दें बच्चों को डिफरेंट फील्ड्स का, डिफरेंट करियर्स का, कि अगर कोई बच्चा, अच्छा मैं आपको बस मज़े की बताऊँ, मेरे भी दो बच्चे जो है ना वो बैठ के वो चीज़ें रख लेते हैं घर में जो होती हैं, एक दुकानदार बन जाता है और दूसरा आता है कि जी हम ये चीज़ें लेने आए हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से 80% बच्चा, हर कोई बच्चा करता है, उनको इस चीज़ का शौक होता है क्योंकि वो ऐसे देखते हैं जाके। लेकिन कोई भी ना एज अ पेरेंट कहता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होके दुकानदार बनेगा, दुकानदार बनेंगे, ऐसे ही यही है। बात है ना। हालांकि वही अगर हम देखें तो इवन मतलब आपका तो माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, अगर हम बात करें कि अगर हम फ्रूट जैसे वो कार्ट्स होती हैं उनके पास भी अगर हम माल देखें, लाखों रुपए का हाँ जी, माल ऐसे पड़ा होता है, एग्जैक्टली और ऐसे वो ही लाखों रुपए की कमाई भी करके लेके जा रहे होते ऐसे हैं ही अपने घर में। तो कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका बात ये, आपको शौक होना चाहिए, और अगर शौक के साथ मेहनत करो बिल्कुल तो वो फिर चीज़ तब चार चांद लगते हैं। खाली शौक भी नहीं फायदा देता, और मेहनत जो है, अगर आपका शौक नहीं है तो आप उतनी मेहनत कर नहीं पाते हो। ऐसे ही है। एक्चुअली बात है कि इस पे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होनी चाहिए कि आप उसको सिर्फ यही ना लगाई जाओ, बस पढ़ते जाओ बिल्कुल, अच्छी जॉब कर लो। पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसको जेहन में डाले कि भाई नौकरी नहीं करनी, आप बिजनेस करो, अच्छा बिजनेस करो, कुछ नहीं होता। इवन कि जब मैं अपने घर में वाइफ के साथ बात हो रही होती है, क्योंकि मैं 10 साल नौकरी की, मुझे पता है इसमें क्या क्या रिस्क में चांसेस होते हैं, क्या आपको बर्दाश्त करना है क्या नहीं करना। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि यार ठीक है, अगर मैं फर्स्ट करो कामयाब होता हूँ, इस बिज़नेस को आगे डेवलप कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, लेकिन मेरा बेटा एक रेडी तो लगा लेगा लेकिन जॉब नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कैसे अपना अपना काम, बिज़नेस कैसे करते हैं। वो आस्ते आस्ते ग्रो करेगा, वो कर सकता हुआ तो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जॉब में आप ग्रो एक लिमिटेड टाइम है, ईयरली आपकी कभी आपको प्रमोशन मिल गई, कभी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट लग गया, तो आप उसी में बहुत खुश होते रहते हैं। ऐसे ही है। तो अच्छा, एक और चीज़ है, अब एज अ पेरेंट मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा बन जाए, जैसे एग्जीबिशंस तो बहुत होती हैं अब लाहौर में, पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड आ गया है, लेकिन अगर यही एग्जीबिशन बच्चों के लिए की जाए, अभी एक चैरिटी इवेंट था जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स से बच्चों को इनवाइट किया गया था, और उनको फ्री जगह दी गई थी, फ्री स्टॉल्स दिए गए थे, और उनको कहा था कि आप अपना जो सेल करना चाहते हैं, चाहे वो फूड आइटम हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, प्रोडक्ट हो, आप वो आएँ और आप बेचें। ये अब जो था ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी, इस तरह की एक्सरसाइज से बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए ऐसे तो ही। और बल्कि मैं इसमें थोड़ा एडिशन करूंगा कि देखिए जब कोई, जैसे मैंने बीकॉम किया, इंटर्नशिप के लिए मुझे बैंक भेज दिया गया कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप आपको वो भी जॉब के सेंस में सिखाई जाए। आप इंटर्नशिप बिल्कुल, बिल्कुल लोगों को सीख कह रहे हैं कि भाई करके आओगे तो आपको डिग्री मिलेगी, आप उसको एक ऐसी किसी शॉप पे भेजें, किसी शॉप के साथ एग्रीमेंट करें कि भाई आप ये बच्चा ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, उसको आप सिखाना है, ठीक है। आप बैंक में भेज देते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भेज देते हैं, वो बैठ के फाइल वर्क करता रहता है। उसको सिखा उस तरह से, मतलब जब तक वो खुद ही आ तो इंटरेस्ट हाँ बहुत जी, सारा लेना, वो यहाँ भी घुस जाए वहाँ भी घुस जाए, उससे लोग इंटरेस्ट तंग भी पता है होते क्या, हैं। इसको जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं ना मिलेगी कोई, तब तक आप नहीं कर सकते। अब मैं जैसे आपको पहले कहा, बैंक में भेज दिया, मल्टीनेशनल कंपनी में भेज दिया, तो वो फाइल वर्क ही सीखता है। आप इस मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं बहुत बड़े लेवल पे, उनके साथ बात करें कि भाई हमारे बच्चे आपके पास इंटर्नशिप करने आएंगे, आपकी कैपेसिटी जितनी, एक को सिखा सकते हैं, दो को सिखा सकते हैं, आप उसको बिजनेस बिल्कुल सिखाएं। आप बिल्कुल, ये वो उधर सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो आपको डिग्री इशू होगी, ठीक है। आपको उस बच्चे को जब तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो देखेगा बिजनेस में तो अच्छा काम है, इसमें ये कर सकते हैं, अच्छा चीज़ बहुत ईजी चीज़ है, बिल्कुल, इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो भी इसमें इंटरेस्ट लेगा। जब आप उसको भेजोगे मल्टीनेशनल
कंपनी में जब उसको कहो कि जाके बैंक में इंटर्नशिप करके आओ, तो वो यही फाल बार सीख के आ जाए, कंप्यूटर पे काम करना सीख के आ जाए। बिल्कुल, वो घर बैठ के भी कंप्यूटर और ट्यूटोरियल्स देख के कर सकता है। अच्छा, एक जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर इस तरह की एग्जीबिशन हों और आपका बच्चा कहे या आपकी बच्ची कहे कि भाई बाबा मुझे तो इस चीज़ का बड़ा शौक है, तो आप ये एग्जीबिशन में मुझे स्टॉल दे दे, उसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूँगा, क्योंकि बिल्कुल करूँगा, जब मेरा एक ड्रीम है कि मेरा बच्चा या बच्ची बिजनेस करे तो मैं सारी बात इन्वेस्ट करूँगा उस पर। ठीक है, मैं उसको देखो अपनी सिर्फ अपनी दुकान तक ही नहीं लेके चलूंगा, ऐसे कहूँगा जाके सारी दुनिया में देखो कैसे बिजनेस हो रहा है, आप इसको मेरे से अच्छे तरीके से चला सकता है, वो जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अच्छे तरीके से चलाएगा उसको, तो मैं तो चाहूँगा वो जाके करे। करे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक फ़ाइनल ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप जो स्कूलिंग है, आपको क्या लगता है कि एक तो ठीक है जिनके पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं वो महंगे महंगे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज भी देते हैं, बट मेरे ख्याल से जिस तरह से हम पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है इतना अचीव कर लिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों को के लिए क्या चूज़ करेंगे? मतलब आप चाहेंगे कि नहीं, वो बहुत उससे फ़र्क पड़ता है कि आप, जाहिर है रिसोर्सेज में वही जैसे बात है कि बड़े स्कूल्स के पास करियर काउंसलर्स भी हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप पेरेंट, एज अ पेरेंट क्या कहना चाहेंगे कि पब्लिक स्कूल्स ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करें कि हम पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट ये इतना मुश्किल डिसीजन ना लेना पड़े कि अगर हम अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल भेज रहे हैं तो उनको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो रहा है उनकी स्टडी पर। अभी मैंने थोड़ा सा पहले अपने स्कूल बच्चों का स्कूल चेंज किया, सिर्फ इसी वजह से कि एक तो बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देते, ठीक है ना जी। जैसे आपने कहा करियर काउंसलिंग नहीं करते, क्योंकि देखिए इसमें करियर काउंसलिंग के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, एक टीचर जैसे प्राइवेट स्कूल बड़े स्कूल हायर करते हैं वैसे उनको भी करना चाहिए, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, आपको 50,000 रुपये देना पड़े, एक नॉर्मल मिल जाता है आपको, और इतना टाइम भी नहीं चाहिए होता, और हर बच्चे को हर वक्त भी नहीं चाहिए होता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, एक सेशन बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग करें कि भी आप ऐसे करना चाहिए ऐसे करना, पर ये सारे स्कूल कर सकते हैं, लेकिन हम करना ही चाहते हैं, हमारे वो सिस्टम एक रट्टा सिस्टम लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बच्चों को एक बैग बड़ा सा ला दिया जाता है कि चलो जी लेके इसको चल पड़ो, प्रैक्टिकलिटी उसमें नहीं है ना। मेरे ख्याल से तो बच्चों को लाइफ बेसिक्स भी सिखानी चाहिए कि भाई आपने दिन में उठना है तो आप ऐसे अपना दिन गुजारो, इसमें एक्सरसाइज भी, मतलब पीटी के नाम पे ठीक है एक पीरियड एक हफ्ते में हो जाता है, बट मेरे ख्याल से तो इसको प्रॉपर लेके जाना चाहिए। तो आपसे ये बात करने का ये मकसद था कि हम बच्चों को बताएं कि बच्चों को जो है उनको भी मोटिवेशन आए कि वो जो भी चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, और एज अ पेरेंट के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ में जाने दें, और जैसे कुछ एग्जीबिशंस होती हैं बड़ों की तो फिर रसाई होती है वहाँ तक, बच्चों को अक्सर चीज़ों का नहीं पता होता, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको बताएं कि बेटा ये एग्जीबिशन लग रही है आप अपना काम उधर एग्जिबिट करो ताकि उनको पता चले। ऐसे ही है, देखिए ये इसकी नॉलेज देखिए सर बच्चे हर पेरेंट्स को भी नहीं पता, इसके लिए आपको एक जैसे अब ये हमारे यहाँ पे एक एग्जीबिशन सेंटर क्या है इसका नाम, एक्सपो सेंटर, सॉरी एक्सपो सेंटर में आप उसमें मुख्तलिफ लगते हैं, ठीक है, कितनी सारी नुमाइश कितनी सारी एग्जीबिशन होती हैं, मुख्तलिफ बिजनेस की होती हैं, बल्कि बाहर से बिजनेस भी आते हैं, तो वो एक लिमिटेड हम वहाँ पे जैसे एक मैं एक दफ़ा गया तो इन्विटेशन मल्टीपल टाइम आते हैं कि अब ये हो रहा है अब ये हो रहा है, इसमें आप आए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें ये पार्टिसिपेट करें। अब हर बंदे को इस तरह के मैसेज नहीं आते, और ना ही हम गवर्नमेंट लेवल पे या टीवी पे ऐसी किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये कुछ हो रहा है, आप प्रमोट ही नहीं करते हैं। इवन दो कि आप वहाँ से गुजरे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, इसके लिए एक अनाउंसमेंट, बल्कि स्कूलों में भी जाके उनको एक इवन के एक छोटा सा ब्रोशर देना है कि भाई आप इस तरह के जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो हम उनको भेजें वहाँ पे, ठीक है, एक उनका बिजनेस भी डेवलप होगा और हमारे बच्चों की भी जो है ग्रूमिंग हो जाएगी, एक्सपोजर मिलेगा, बिल्कुल ऐसी है। चलिए, थैंक यू सो मच हवाज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी चीज़ें पूछ के, और इसका मकसद बिल्कुल हमारा यही था कि आपका कैसे जर्नी था, क्योंकि पहले तो फिर एक्सपोजर बहुत कम था, ये चीज़ों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, तो अब हम ये चीज़ें बच्चों के लिए आसान बनाना चाह रहे हैं और पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि भाई हर चीज़ की अहमियत होती है। तो आई होप कि आप को जो है आप भी इस चीज़ को एज अ पेरेंट भी जो समझाना चाह रहे हैं वो भी समझा सकते हैं। मेरे पास इवन कि कुछ लड़के शॉप पे आते हैं जैसे कुछ कोई सामान लेने आते हैं तो मैं हमेशा उनको यही गाइड करता रहता हूँ, कुछ लोग समझते हैं कुछ नहीं समझते, वेल एक सर बच्चे को मैं जो भी आता है जब मैंने अपना सेटअप चेंज किया वैसे कोई इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एक सैलरी
पर्सन हो के अब बिजनेस में चले जाओ तो इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो हर बंदे को जो भी बच्चा गाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कितना मुश्किल टाइम होता है, और बिल्कुल फिर इसके ऐसे लिए आप फैमिली को इसके सर्वाइव नहीं करवा सकते। जॉब्स आपको एक लेवल लगता है, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब की, उसमें एक टाइम चाहिए होता है 20-25 साल, जब तक आप मैनेजर बनते हो बिल्कुल तब आपके ऐसे रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, और रिटायर होके तो वैसी पेंशन उतनी तो नहीं होती और जितनी फिर सारी। बात ये कि फिर आके बच्चे को फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। हाँ वो आपका जी बच्चा मैनेजर पे तो नहीं आके बैठेगा, एग्जैक्टली, आपका अपना बिजनेस होगा ठीक है, तो देर जहाँ इज से मैं छोड़ूंगा वहीं से चांस। वो आगे चले, उसको ग्रो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, थैंक यू सो मच जी अवाज भाई फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, स्पेशली बच्चों को और पेरेंट्स को भी। हम कोशिश करेंगे कि हम और डिफरेंट प्रोफेशन से लोगों का इंटरव्यू करें, और आप लोगों को ये मैसेज और इवन कुछ काउंसलिंग मिले डिफरेंट प्रोफेशन के हवाले से। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।